गर्मी है, पसीना भी आ रहा है और खुद को ठंडा भी रखना है। पिछले हफ्ते मैंने आपको मिलाया था 3 दिल्ली की बेस्ट कूलर्स से, बेस्ट क्या, बेस्ट और भी है। 3 कूलर्स थे, बेल का जूस आपको पिलाया था मैंने, सत्तू और छाछ, है ना। आज लेकर जा रहा हूँ आपको दिल्ली के एक अलग कोने में, जहाँ पर मिलाऊंगा आपको दिल्ली के और कूलर्स के साथ। तो चलो मेरे साथ वहीं चलते हैं और कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल करते हैं। हॉर्न और शोर से समझ चुके होंगे कहाँ पर हूँ मैं, चांदनी चौक में। और अब पिएंगे खाएंगे कांजी, कांजी वड़ा। पहले भैया को जरा पैसे दे दें। यहाँ पर ये 17-18 साल पुरानी दुकान है एक, जो के दही बल्ले पापड़ी चाट बनाते हैं, मगर अब गर्मियाँ हैं तो कुछ ठंडा पीना भी तो पड़ेगा, तो कांजी वड़ा वहाँ मिलता है दिनेश की दुकान पे। आइए चलते हैं। छोटी सी दुकान है जिसके अंदर, अब चांदनी चौक है, जगह का थोड़ा सा कमी रहती है, छोटी सी दुकान है, ऊपर कॉफ़ी चाय और नीचे छोटी सी जगह में दिनेश बैठकर दही बल्ले पापड़ी कांजी वड़ा, मेरे को कांजी पीनी है, वो पिलाता हूँ आपको। सर कांजी पिलाए, कितने एक ग्लास में डालते हैं बड़े? चार पीस डालते हैं। ये है कांजी वड़ा, ठंडा ठंडा। ये कांजी कहाँ से है, किधर से आई और ये ठंडा कैसे रखती है? वैसे राजस्थानी डिश है। अच्छा, मगर ये डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें जो इसको डाइजेस्टिव बनाता है? राई। राई कैसे बनाते हैं इसको फिर? राई को भिगोना पड़ता है 3-4 दिन। अच्छा, उसके बाद में फिर जब तैयार हो जाती है राई तो उसमें कई मसाले डलते हैं, जैसे पीली मिर्च है, छोटी हरड़ है, बड़ी हरड़ है और काला नमक है, हींग है। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा चलती है या पूरा साल चलती है ये चीज़? गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा होती है, वैसे पूरे साल चलती है। और वड़े के साथ इसको देने का क्या प्रचलन है, वड़ा क्यों इसके साथ दे जाता है? वड़ा मूंग का था, मूंग की दाल का होता है, वो भी डाइजेस्टिव होता है, इसलिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है ना। तो मात्र 20 रुपये में कांजी वड़ा आपको खिला दिया जाता है, एकदम गूल कर देता है आपको, हल्का हल्का खट्टा होता है। और जब आप इतना मीठा पी लेते हो, शरबत पी लेते हो और कोई जूसेस पी लेते हो, उसके बाद एक ऐसा ट्विस्ट आपके टेस्ट में अगर मिल जाए आपको तो लगता है यार कुछ फन हो रहा है लाइफ में। क्यों अब जब इतना कुछ पी लिया है तो कुछ ऐसी चीज पीते हैं जिसको पीने के बाद बंदा मेटाफोरिकली कोमा में जा सकता है, लस्सी। इसको पीते ही ऐसी नींद आएगी कुछ कह नहीं सकते। पर यहाँ पर जो लस्सी है ये है जगदीश नारायण पांडे जी की लस्सी, जो कि कुल्लड़ में मिलती है। तो ये कुल्लड़ का साइज है जिसके अंदर कितना 500 ml लस्सी होगी, ये 500 ml लस्सी आ जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारी मलाई मक्खन डाली जाती है। देखिए क्या बात है, मुझे बन गई, मेरी हट गई, यही स्वाद है लस्सी का। तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि दादी नानी के टाइम की, अब लस्सी बहुत टाइम पहले से बनती आ रही है क्योंकि आसान है, दही को लेना है, फेंटना है, मगर पहले फेंटी जाती थी मधानी से, ऐसे हाथ घुमा के। और ये तो पुश्तानी दुकान है, इनके दादाजी परदादाजी के टाइम से, और तब भी ऐसी करी जाती थी, पर अब इनके टाइम में मशीनें आ गई हैं। ये देखिए ये मशीन है जो सीधा जा रही है और मिक्सी की तरह इसको कर रही है, पर बर्फ तोड़ने का इलाज नहीं आ पाया अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मेरे ख्याल से। तभी आज भी यहाँ पर थापी, पंजाबी में थापी कहते हैं इसको और सोटी है लो, इससे तोड़ तोड़ के बर्फ को क्रश किया जाता है और ये फिर लस्सी में पड़ती है। आगे फलूदा खिलाऊंगा। जूस, शिकंजी, कांजी, इस सब के बाद अब और थोड़ा सा मुंह मीठा करते हैं फलूदा रबड़ी के साथ। अब फलूदा भी जो है ना वो बहुत टाइम से बन रहा है, हारा रोड से बनता है और यहाँ पुरानी दिल्ली में ज्ञानीज का फलूदा रबड़ी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। और ये कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर सबसे नीचे जो परत है वो फलूदे से है, फिर उसके बाद रबड़ी डाली गई है जो कि दूध और पिस्ता और खोए से बनती है। काफ़ी पुरानी दुकान है ये, पुरानी दिल्ली की, जहाँ पर रबड़ी फलूदा बिकती है, टोकन दे दे के बिकती है और कोई ज़्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि इतने हाथ बिजी हैं यहाँ लोगों के देने में, किसी को टाइम ही नहीं है। अब मैं भी अपना लेता हूँ, खाता हूँ और चलता हूँ,
और आप अगर ऐसे ही और एपिसोड्स खाने पीने के बीबीसी हिंदी के साथ देखना चाहते हैं तो बीबीसी हिंदी का यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे और हम आपसे यूं ही हर हफ्ते मिलते रहेंगे। बाय। मैं खा लूँ कुछ, अब पिया बहुत है, अब कुछ खा लेता हूँ।